लीगल फ्रेटर्निटी में काफी बार लॉ स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि कुछ लीगल प्रैक्टिशनर्स जो डेली बेसिस पे लॉ को प्रैक्टिस करते हैं, वो प्लेंटिफ, पेटिशनर, एप्लीकेंट और अपेलेंट जैसी टर्म्स के बीच में कंफ्यूज होते हैं। ये सारी टर्म्स लगभग एक जैसे साउंड करती है, काफी बार हम इन्हें देखते भी है, पढ़ते भी है, बट इनके अलग मीनिंग्स होते हैं, डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, इन्हें इंटरचेंजेबली यूज करना गलत होता है। आज के इस सेशन में हम लोग ये समझेंगे कि इन सभी टर्म्स के मतलब क्या होते हैं, इनमें आपस में डिफरेंस क्या होता है और इन्हें किस तरीके से यूज करा जाता है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट टर्म इज प्लेंटिफ। प्लेंटिफ रेफर्स टू द पर्सन हु इनिशिएट्स अ सिविल सूट अगेंस्ट द अनदर। बट इसे प्लेंटिफ क्यों बोलते हैं? जब भी कभी कोर्ट ऑफ लॉ में कोई केस शुरू होता है तो केस को शुरू करते टाइम दोनों पार्टीज अपनी कंटेंशंस को प्लीडिंग्स के फॉर्म में भेजती है। जो पार्टी केस को इनिशिएट करती है उनकी प्लीडिंग्स को प्लेंट रेफर किया जाता है और प्लेंट से ही टर्म को डिराइव किया गया है, प्लेंटिफ। प्लेंटिफ सिर्फ सिविल सूट के अंदर होते हैं, क्रिमिनल केस के अंदर प्लेंटिफ्स नहीं होते। एंड आवर सेकंड टर्म इज पेटिशनर। पेटिशनर रेफर्स टू द पर्सन हु फाइल्स अ मोशन बिफोर द हायर जुडिशियरी। हायर जुडिशियरी में सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आते हैं, पेटिशनर कभी भी लोअर अथॉरिटी कोर्ट्स के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर नहीं होते। तो कभी भी कोई इंसान जैसे कि रिट एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 या फिर हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ऐसे केस के अंदर, या फिर कभी कोई इंसान पीआईएल फाइल कर रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर रहा है, तो ऐसे सभी केस के अंदर ऐसे इंसान को पेटिशनर बोला जाएगा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टर्म एप्लीकेंट। एप्लीकेंट रेफर्स टू द पर्सन हु फाइल्स एन एप्लीकेशन बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट फॉर अ स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कोई इंसान कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर रहा है कि एक इंटरिम स्टे ऑर्डर मिल जाए, या फिर कोई इंसान बेल एप्लीकेशन के लिए फाइल कर रहा है, तो ऐसे दोनों ही केस के अंदर यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करी जाती है और ऐसे इंसान जो एप्लीकेशन को फाइल कर रहा होता है उसे एप्लीकेंट रेफर किया जाता है। एप्लीकेंट दोनों ही सिविल केस में और क्रिमिनल केस के अंदर हो सकते हैं। एंड द लास्ट टर्म इज अपेलेंट। इसे कुछ लोग अपीलेंट या अपीलांट भी प्रोनाउंस करते हैं, बट ये दोनों ही प्रोनाउंसिएशन गलत होती है। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होती है अपेलेंट। तो बेसिकली जब भी कभी कोई लोअर कोर्ट एक डिसीजन पे पहुंचता है, एक जजमेंट देता है, तो ऐसे जजमेंट से अगर कोई पार्टी ना खुश होती है तो उस पार्टी के पास ये राइट होता है कि वो हायर अथॉरिटी कोर्ट में उस जजमेंट के खिलाफ अपील कर सके। कभी भी जब कोई लोअर कोर्ट के खिलाफ, कोई लोअर कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ कोई अग्रीव पार्टी अपील कर रही होती है, तो ऐसी अपीलिंग पार्टी को एपेलेंट बोला जाता है। यहां पे सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस दोनों में ही अपील लाय कर सकती है। So now we have understood the meaning of all four terms: plaintiff, petitioner, applicant and appellant. तो basically plaintiff जिस इंसान के खिलाफ प्लेंट फाइल करता है, जिस इंसान के खिलाफ केस इंस्टीट्यूट करता है, ऐसे अपोजिंग पार्टी को डिफेंडेंट बोला जाता है। वहीं पेटिशनर और एप्लीकेंट के केस के अंदर अपोजिंग पार्टी को हम लोग रिस्पॉन्डेंट रेफर करते हैं, और appellant के केस के अंदर जिस इंसान के खिलाफ अपील फाइल होती है इसे appellee बोला जाता है। So that's it for today. I hope इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला। अगर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था, अगर यहाँ पे आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। एंड अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।